हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है स्कार्फ फोल्डिंग। अब स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के बाद जो भी फ्लोर पे वर्क हम कर रहे होते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने को हम बोलते हैं स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, वरना हम उस फ्लोर तक कैसे पहुँचेंगे विदाउट, अगर हम स्कार्फ फोल्डिंग यूज़ नहीं करेंगे तो हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, है ना। तो जो प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं उस काम को करने के लिए उसे बोला जाता है स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, हर कंस्ट्रक्शन साइट में अब जितने जितने जैसे कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के अलावा जो भी फ्लोर्स तैयार हो रहे हैं उन सब में यूज़ होती है स्कार्फ फोल्डिंग। ये स्कार्फ फोल्डिंग जो है कैसे मेंटेन की जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, ये सारा इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलता है, क्योंकि उसमें लगने वाले जो भी मटेरियल है हो सकता है वो आयरन मटेरियल से बना हो। ठीक है, और आपने एक चीज़ और देखी होगी, बांस की लकड़ी जो रहती है उससे भी ये बना होता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये स्कार्फ फोल्डिंग तैयार की जाती है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह रहती हैं वहाँ पे तरह तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, पर स्कार्फ फोल्डिंग जितना सेफ्टी से मेंटेन होगा, जितना सेफ्टी से बनाया जाएगा उतना ही सेफ वहाँ काम करने वाला रहेगा। ठीक है, तो स्कार्फ फोल्डिंग का पूरा पूरा यही मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हाइट पे वर्क होगा, अब हाइट पे वर्क तो होगा पर अब वो हाइट पे आपको कैसे सेफ रहना है, कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, उसके लिए आपको PPEs वेयर करना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। मैं बार बार बताती हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है हर डिपार्टमेंट में। तो ऐसे ही जब भी आप किसी भी स्कार्फ फोल्डिंग पर वर्क कर रहे हैं तो तब भी आपको ये पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें स्कार्फ फोल्डिंग में, स्कार्फ फोल्डिंग से बेनिफिट्स ये रहते हैं कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है हमारा, टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और उस पर हम वर्क कर सकते हैं इजीली। सारी जो भी जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है सभी जगह ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि जो भी वर्क है वो सेफ्टी के साथ हो पाए। ठीक है, तो स्कार्फ फोल्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर कंस्ट्रक्शन साइट पे, और इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें तैयार रहना होता है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी से तो जुड़ी, सेफ्टी तो हमें इसमें रखना भी है पर ये डेंजरस भी उतना ही है। मान लीजिए आपने जो सेफ्टी जो स्कार्फ फोल्डिंग फिक्स की या कुछ भी उसमें ढीला रह गया, कुछ भी अनफिक्स हो गया या उसे उतना प्रॉपर वे से आप लोगों ने फिक्स नहीं किया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो वहाँ हो सकते हैं ना। तो इसीलिए क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग जब भी आप यूज़ करें तो उसको सेफ्टी से आप यूज़ करें, है ना। जो भी आप टेम्प्रेरी स्कार्फ फोल्डिंग बना रहे हैं आपको कितना टाइम उस पर लगने वाला है, कितना आपको वर्क करना है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आप सेफ्टी मेंटेन करें उस पर, है ना। जैसे ही आप उसे फिक्स कर रहे हैं आपको देखना है कि क्या ये ग्राउंड लेवल से ठीक से फिक्स हुई है, ऐसा तो नहीं जिस ग्राउंड पे आपने उसे फिक्स करना शुरू किया हो वो ऊंचा नीचा ग्राउंड हो रहा हो, है ना, या फिर बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत हो, पानी वानी की वजह से वो जो ग्राउंड है वो नीचे को जाए, ऐसा चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी होंगी जब भी आप स्कार्फ फोल्डिंग फिक्स करते हैं तब। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कार्फ फोल्डिंग की, तो दो तरीके की स्कार्फ फोल्डिंग की मैं पहले बात करूँगी, वो है सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग और डबल स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, बेसिकली जो सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग है वो यूज़ की जाती है ब्रिक मैसनरी में, जब दीवार बन रही हो ईंटों की उसके लिए यूज़ करी जाती है सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग, क्योंकि ये सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग जो है वो एक लेयर, मतलब आपको एक ही उसमें लेयर बनानी होती है, और ब्रिक के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग जो है वो वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट डबल स्कार्फ फोल्डिंग जो है वो कब यूज़ की जाती है, जब स्टोन वर्क चल रहा हो। ठीक है, स्टोन भी भारी होता है और इस तरीके से स्टोन वर्क चल रहा हो तो डबल स्कार्फ फोल्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, स्टोन जो भी स्टोन वर्क के लिए जो जो यूज़ हो रही है, स्टोन वर्क जब भी आप कर रहे हैं उसमें होने वाला जो भी वर्क है वो डबल स्कार्फ फोल्डिंग पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, सिंगल स्कार्फ फोल्डिंग और डबल स्कार्फ फोल्डिंग, आपको कब कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, अब जब भी क्या होता है, स्कार्फ फोल्डिंग का वर्क चलने वाला है, ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो उससे पहले हम क्या प्रिपेयरनेस करेंगे, कुछ प्रिपेयर्डनेस भी तो करनी पड़ेगी ना, JSA भी तो देना पड़ेगा, JSA भी तो करना पड़ेगा, वर्क परमिट भी तो देना पड़ेगा, तो अब क्या क्या इंस्पेक्शन करेंगे, तो उसमें यही इंस्पेक्शन करेंगे स्कार्फ फोल्डिंग में जाने वाला जो भी मटेरियल है, क्या वो ऐसा तो नहीं वो अच्छी कंडीशन में ना हो, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है,
क्या वो अच्छे से वर्क कर पाएगा? अगर हमें स्काफोल्डिंग थोड़ा टाइम तक रखनी है क्योंकि हमारी बिल्डिंग पे अभी वर्क चल रहा है थोड़ा टाइम तक, तो क्या ये उतने समय तक रहेगा? ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे, जो ऐसे करते हैं। बाकी फिर ये भी चेक किए थे किस तरीके से वो स्काफोल्डिंग जो है वो लगाई जाएगी, उसका फ्लोर कैसा रहेगा, ठीक है, कौन सा मटेरियल का स्काफोल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये जो था, ये सारा मैंने स्काफोल्डिंग के बारे में आज आपको बताया। जो भी वर्क कर रहे हैं स्काफोल्डिंग के अलावा, कोई भी वर्क कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी जितनी अच्छे से रहेगी उतना ही अच्छा वर्क रहेगा। और बाकी अगर आप सेफ्टी रखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप ही को PPEs वेयर करनी होंगी। PPEs अगर आप प्रॉपर वेयर करते हैं तो इस तरीके के एक्सीडेंट से भी आप बच सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो सेफ्टी हार्नेस आपको पहननी है, हेलमेट लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, ईयर मफ लगाना है अगर वहाँ नॉइज़ ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप खुद को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो आज ही मैंने आपको स्काफोल्डिंग के बारे में बताया। सो थैंक यू।